कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जॉम्बी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। संजय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी कई जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर घुसा। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल गया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक पर्वर यानी एक सिरफिरे की तरह ही रहा। आरजीकर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक सिविक वॉलंटियर के दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर घुसा। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और संजय उसी रिश्तेदार को देखने के बहाने अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में ये भी पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बाहर एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद की छानबीन में ये पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद उसने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के एक रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक और दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहां भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूरी पर मौजूद चेतला इलाके की एक रेड लाइट एरिया में गया था। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक करके 2 बार रेड लाइट एरिया भी गया। पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया, फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला के जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और ये बाहर खड़ा रह गया। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़खानी भी की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया और फिर से एक महिला को फोन कर उससे बदतमीजी की। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ये साफ हो गया है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था।